नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की अमृत कलर लैब के मालिक ने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ में नशे की ओवरडोज से एक नौजवान की हुई मौत। खाली प्लाट में नशे का लगाया था इंजेक्शन। बरनाला में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का किया धन्यवाद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर की अमृत कलर लैब के मालिक द्वारा गांव राजेवाल की एक जगह पर अपनी पिस्तौल के साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी देहात रविंदर सिंह ने बताया कि अमृत कलर लैब के मालिक की ओर से गांव राजेवाल में खुली जगह पर अपनी पिस्तौल के साथ खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। प्राथमिक जांच में एक सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें मृतक ने लिखा है कि उसकी दुकान के सामने प्रदीप गाबर और उसके दो बेटे गाड़ियां खड़ी कर पिछले 5 सालों से उसे परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते परेशानी की हालत में उसके द्वारा आत्महत्या की गई है, जिसके चलते पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बंदा जिहड़ा है अमृत लैब हैगी अमृतसर उहदा मालिक सी, उहने इत्थे राजेवाल एक खंडर जगह सीगी बणी हो, उहदे विच आ के सुसाइड कीता अपने पिस्टल दा, सरकार अपने लाइसेंसी पिस्टल दे नाल। उहदी जिहड़ी गल निकल के इह आई आ वी उहदी इत्थे जहाजगढ़ लागे इक दुकान आ, दुकान दे लागे कोई प्रदीप गब्बर नाम दा बंदा ते उहदे बच्चे आ दो लड़के, उन्हां दे नाल उन्हां दा कोई डिस्प्यूट चल रहा पिछले 5 साल तों। उहदे करके इहनां दा आपस विच इन्ना डिप्रैशन 'च चल गया, उन्हें अपना जिहड़ा इत्थे आ के सुसाइड की। लैण देण दा की चक्कर? नहीं, लैण देण दा नहीं, जो गल निकल के इह गल आई आ वी उहनां दे गड्डियां खड़ियां करन तों सी, उह कहिंदे साडियां दुकानां दे मूहरे इह गड्डियां अपणियां खड़ियां कर लैंदे आ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ में नशे की ओवरडोज के चलते 35 वर्षीय नौजवान की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रमेश कुमार निवासी अय्यापुर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक नौजवान ने खाली पड़े एक प्लॉट में नशे के इंजेक्शन लगवाए, जिसके बाद वो बेसुध हो गया और लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता गुरचरण लाल के मुताबिक टांडा में नशा बिना रोक टोक आम मिल जाता है, जिसके चलते उनके बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों ने पंजाब सरकार से नशे के खिलाफ जल्द ही कोई सख्त कदम उठाने की अपील की, जिस कारण आगे से किसी और नौजवान की जान ना जा सके। बरनाला के गांव संघेड़ा नहरी खाल नहरी पाइपलाइन के लिए 7,21,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर द्वारा किया गया। इसके अलावा इंटरलॉक टाइलों के लिए 72,00,000 रुपए और गांव की अलग अलग धर्मशालाओं के लिए तकरीबन 11,00,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। उद्घाटन के दौरान बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने विशेष तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया और कहा कि बड़े लंबे समय के बाद बरनाला के विकास कार्य के लिए पंजाब सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की ग्रांट दी जा रही है। इससे पहले जो सरकारें पंजाब में रही हैं, उन्होंने कभी भी बरनाला में कोई विकास कार्य नहीं करवाया। वहीं बरनाला के गांव संघेड़ा नहरी खाल नहरी पाइपलाइन के लिए 7,21,00,000 की लागत से काम शुरू करने का उद्घाटन किया गया है। गांव में इंटरलॉकिंग के लिए 72,00,000 का काम शुरू करने का उद्घाटन किया गया है और साथ लगते गांव करमगढ़ में कम्युनिटी सेंटर भी 40,00,000 रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए के कार्य शुरू किए गए हैं, जिसके लिए वे पंजाब सरकार का विशेष तौर पर आभार प्रकट करते हैं। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, आज
ਸੰਘੇੜੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਘੇੜੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਬਚਾਨੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਤਰ ਕੋ ਉੱਚਾ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇ 74 ਸਾਲੋਂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨੀਵ ਪੱਥਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਗਾਓ ਨਾਗਰਾ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਾ ਅਬ ਤੱਕ ਕਾ ਸਬਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਛਾਨੇ ਕਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 6 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏਗੀ ਜਿਸਮੇਂ ਸੇ 5 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਛਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸਸੇ 540 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੋਂ ਕੋ ਸਿੰਚਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਕਵਰ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸਸੇ ਸੈਂਕੜੋ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੋ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ 50% ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 50% ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾਗਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1350 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 6 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਗਰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, 1350 ਕਿੱਲਾ 1350 ਕਿੱਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ। जीरा के गांव मंसूरवाल कला में एक गुरुद्वारा साहिब के प्रधान की कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने और उनकी दाढ़ी के बाल खींचने और दस्तार की बेअदबी करने का मामला सामने आया है जिसके चलते पुलिस की ओर से 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल जीरा में उपचाराधीन बलदेव सिंह ने बताया कि उसका कुछ समय पहले अपने ही गाँव के कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था जिसका पंचायत द्वारा राजीनाम करवा दिया गया था और गत दिवस जब वो गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रहा था तो लोगों द्वारा हमला कर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी दाढ़ी नोची गई और उसकी दस्तार भी उतार दी गई। वहीं गांव के सरपंच ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। इस मौके पर थाना सदर जीरा के प्रभारी इंस्पेक्टर बचन सिंह ने बताया कि बलदेव सिंह के बयानों के आधार पर प्रदीप सिंह निवासी मंसूरवाल और उसके 3 अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मेरा बलदेव सिंह है जी,
ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕਰਵੇਜ ਬੈਠਾ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹੀ ਮੋੜ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਟਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਫੜ ਲਓ, ਢਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਪਿਛਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੀ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪੱਟਿਆ, ਪਗੜੀ ਉਤਾਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 341, 323, 292, 34 IPC ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਕੇ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਂ ਦੋ ਨਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕੋਂ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਵਿਧਾਓਂ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਂ 14 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਂ 67 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਔਰ 84 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਓਂ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੈਂ ਭੀੜ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕੋਂ ਕਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੰਡਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਿੰਟੂ ਪਾਰਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਡੈਂਸਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 67 ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, 84 ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ਼ ਘਟੂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਾਤਰੀਓਂ ਕੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕਰ ਲੂਟ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰ ਯਾਤਰੀਓਂ ਕੋ ਉਨਕਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਐਸੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ACP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਬੜ ਰਹੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰ ਯੇ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਲੂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਹੋਨੇ ਸੇ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬੈਟਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦਾ,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਇਸ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ। साइकिलिस्ट बलराज सिंह चौहान ने 150,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर नौजवानों के लिए मिसाल पैदा की है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होशियारपुर के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल साइकिलिस्ट बलराज सिंह चौहान ने ये मील का पत्थर स्थापित करते हुए जालंधर के निजी होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से उन्होंने इस साइकिलिंग का सफर एक साधारण साइकिल से शुरू किया था, लेकिन वर्ष 2016 से इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। किसी कारण घुटने की समस्या आने के कारण डॉक्टर द्वारा उन्हें चलने से मना किया गया था, जिस कारण वे डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन और इरादे को पक्का कर साइकिल चलानी शुरू कर दी और दोनों बीमारियों को मात दी। साइकिलिंग अब उनके जुनून में तब्दील होनी शुरू हो गई है और इस साइकिलिंग के माध्यम से उन्होंने देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। यह मेरे लिए अज एक बहुत ही वड्डा सुभाग भरिया दिन हुआ कि मैं अज 150,000 किलोमीटर साइकिलिंग दे पूरे करके कर ले आ, उस दे लिए यह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 2014 तो मैं साइकिलिंग कर रहा और जोड़ा मेरा आंदा रिकॉर्ड आ 2016 तो लैके हूँ तक मेरा जो आंदा रिकॉर्ड वो 150,000 प्लस हो गया। शौक कह लो, कुछ मजबूरी कह लो, कुछ इस तरह से भी साइकिलिंग का, चलो बचपन से स्कूल में साइकिल पर जाते साडा जो समा सी, उस तो बाद मैं ज़्यादा रनिंग करता हूँ सगा। और 2013-14 मेरी थोड़ी प्रॉब्लम ग्राउंड पै गई, मेरे राइट साइड के गोडे थोड़ी प्रॉब्लम सी, तो मेरे पेन काफ़ी होने लग पी, फिर मेरी ग्राउंड बंद हो गई। डॉक्टर मैंने सुजैशन किया भी तुम मेडिसिन लई, दो डॉक्टर चेंज किए, अखीर मैं स्पैशलिस्ट को भी गया तो उन्होंने मैं मेडिसिन फिक्स की, पर कुछ चीज खाने तो बाद फिर मैं देखा भी मेरी ग्राउंड भी बंद हो गई। मैं डर सा मैं तो भी स्पोर्ट्स मैंने कुछ करना हूँ तो कि जो दवाई खा के मैं ठीक होऊंगा, तो उन्होंने मैं यही कही भी नहीं, ये दवाई तेन काफ़ी समा खाने ही पैनी है, ये परमानेंट इलाज है नहीं गा। मैं क्या भी तो पेन किलर आ भी इन्नी मैं पेन बर्दाश्त कर दूंगा, फिर मैं दवाई क्यों खानी। उस तो बाद फिर मैं दवाई छड़ दिती, तो फिर मैं हौली हौली जो साइकिल शहर के चला लग पाया तो करता करता थोड़ा फिर बद गया मेरा। हाँ जी, पिछले साल मैं इंग्लैंड जाके आया सगा, उत्थे 1540 किलोमीटर ईवेंट सगा एक लंडन एडिनबर्ग लंडन, तो वो मैं पूरा किया और मैडल प्राप्त किया। इस साल मैं जाके आया फ्रांस के पैरिस प्रेस पैरिस, वो भी पूरा करके मैं मैडल प्राप्त किया। नहीं मदद नहीं, सहयोग देखो जी, ये कोई भी किसी तरीके की फाइनैशियल मदद कोई नहीं करता, किसी भी सानू किसी सरकार तो किसी पास नहीं होंगी, बल्कि एक सारे ईवेंट्स अपने ही खर्चे करने पैदे और बहुत महंगी कई ईवेंट्स होंगे ने जिस बहुत पैसा लगता, लखा के चला जाता, जिदा हम बलराज जी पिछे जे इंग्लैंड जाके आए हैं, फ्रांस जाके आए हैं, लखा का खर्चा है। सो एक साइकिलिस्ट अपने लेवल अपने तो करता जी, सरकार वालों इदा की कभी हल तक नहीं कोई भी किस तरीके की मदद आई जी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक जालंधर के एक निजी होटल में आयोजित की गई। एमएफडीए की ये 9वीं एजीएम राजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें एक बार फिर से सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष राजेश गुप्ता को चुना गया, जिसके बाद अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने अपनी कार्यकारिणी टीम के सदस्यों का चयन किया। इस मौके पर विकास रेखी ने पिछले वर्ष की गतिविधियों और प्रशिक्षणों की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर राजेश कक्कड़ मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अमित धीर, ब्रिजभूषण मरवाहा, नितिश गोयल सहित अन्य सदस्य गण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रिखी, मेरे दोस्त गुलशन सोनीजा जी के साथ, हम दोनों एमएफडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एमएफडीए मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, जो कि 9 साल पुरानी है। दिस इज़ द 9th मीटिंग। और हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में कई तरह की सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, जैसे कि कोविड के उस महामारी के टाइम पे हमने कई तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, जहां पर लोगों को इंजेक्शंस और कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। इसके अलावा हम ब्लड डोनेशन कैंप भी करवा चुके हैं। इसके अलावा हम कई तरह के सर और सोशल एक्टिविटीज़, जैसे कि राशन बांटने का या और तरह की चीज़ें जो जो लोगों को हेल्प के लिए ज़रूरत होती है,
हमारे प्रेजिडेंट मिस्टर राजेश गुप्ता हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं, जो हमारे को बहुत तरह की चीज़ें भी बताते रहते हैं और हमारे को इंस्पायर भी करते रहते हैं। मैं राजेश गुप्ता, प्रेसिडेंट MFDA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। हमारा ये 9वां साल है और हमारी एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी एसोसिएशन है। हम ना सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प करते हैं बल्कि अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प करते हैं। और हमारे एक खासियत ये है कि हम सिर्फ इसको प्रोफेशनली नहीं बट एज ए फैमिली हम इसको एसोसिएशन को चला रहे हैं। अगर किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब इकट्ठे होकर हेल्प में चले जाते हैं। जहां एक ओर माना जा रहा था कि इस बार गर्मी बहुत जल्दी आ रही है, वहीं बीते दिन से हो रही बारिश ने एक बार फिर से मौसम में ठंडक ला दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने स्वेटर और जैकेट पहनना बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें स्वेटर और जैकेट पहनने पड़ रहे हैं। जालंधर में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान होना शुरू हो गया है, क्योंकि किसानों को ये उम्मीद नहीं थी कि अब मौसम इस तरह बदलेगा, जिससे कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही है। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके छठे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान बालाजी की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस कथा ज्ञान यज्ञ में चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, बंटी, अरुण कुमार बॉबी, विक्की जिंदल, मनु जिंदल, दीपिका जिंदल, वनीता गोयल, लाजपत नगर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष विकास निश्चल, अरुण कालिया, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभुदयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजनों ने अपनी हाजिरी लगाई। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय माता दी। जो कि अज जालंधर कैंट श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के अंदरों मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति जो कि कल स्थापना करनी जानी है, जो कि साढ़े वड्डे भरा बाऊ शीतलवीर जी प्रधान देवीतला ने आके जो कि मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लेना है, उहदे विच अज असी पूरे कैंट के अंदर जो कि मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति है उन्हां दी शोभा यात्रा सारयां नूं दर्शन करा के फिर रामा मंदिर के अंदर लिया के उन्हां दी पूजा कीती जानी है। कल जिहड़ा कि हवन किया जाना है, हवन जग तो बाद इत्थे जो कि लंगर अटूट लगाया जाना। सारे कैंट वासियां नूं इही अपील है, सारे जो जो आवाज़ साडी सुन रहे हैं वह कल नूं इत्थे आ के मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लैन और अपनी जो कि पाप के भागी जो सुख शांति दे नाल सुख शांति उन्हां ते भगवान बनाई रखे। जय श्री राम, राधे राधे। सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों भागवत सप्ताह जो चल रही थी, आज इसका लास्ट दिन है। आज बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के 5 दिन से पूजा अर्चना चल रही है। आज उसकी शोभा यात्रा जलंधर छावनी के नगर में होते हुए रामा मंदिर में आएंगे। आज पूजा अर्चना करेंगे, कल सुबह पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा की समाप्ति के आवरण होगा, उसके उपरांत बालाजी मूर्ति द्वारा स्थापना से होगा। कल स्थापना करके उसके बाद कीर्तन होगा, प्रबंधक की तरफ से भागवत लंगर चलेगा, अटूट लंगर चलेगा, जो कि हर एक संत का आए और मंदिर बालाजी का आशीर्वाद ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक आकाश वर्मा एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर
वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गलहोत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कस्तूरीलाल महाजन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए शोक सभा का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कस्तूरीलाल महाजन की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, अशोक आनंद, अश्वनी चड्ढा, प्राण चड्ढा, राजेश खरबंदा और पारिवारिक सदस्यों में अनिल महाजन, अमित महाजन, श्वेता महाजन, मनीषा महाजन सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय कस्तूरीलाल महाजन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
इस दमदा की परिभाषा ही दम आया आया ना आया, ये दम आता रहा आदम आता रहा, ये भेद सारा दम का है, ये दम उस हमदम का है, ईश्वर का है, वाहेगुरु का है। यानी जन्म और मौत इंसान दे हच नहीं है, इंसान दे हच है कि इस धरती ते आके कहो जे कर्म कर जाता है, कहो जे खुशबू खिलार जाता है। साढ़े दरम्यान श्री कस्तूरी लाल जी महाजन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने किए हुए कम्मा की खुशबू अज विद्यमान है। धर्मपरायण सिंह, उन्होंने अपने जीवन के विच प्यार की खुशबू खिले दी, प्यार ही पाया प्यार ही वंडिया, जेड़ा भी उन्होंने संपर्क च आया उन्होंने होके रह गया। लाख चाहा मगर उठ ना सका, तेरी महफिल मुझे बाहर आ गया। लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल जीटीबी नगर जालंधर के जोधराज गुप्ता का आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय जोधराज गुप्ता को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। इस मौके पर राजन गुप्ता, नीरज गुप्ता, राकेश गुप्ता, रजनी गुप्ता, डॉक्टर भारती गुप्ता और लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के समूह सदस्यों सहित राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय जोधराज गुप्ता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर की अमृत कलर लैब के मालिक ने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ में नशे की ओवरडोज से एक नौजवान की हुई मौत। खाली प्लाट में नशे का लगाया था इंजेक्शन। बरनाला में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का किया धन्यवाद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।